क्या आपने कभी सुना है कि दो महासागर आपस में मिलते तो हैं, लेकिन उनका पानी आपस में कभी नहीं मिलता। समुद्र की गहराई में कई राज छिपे हुए हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है। आज विज्ञान ने भले ही कितनी ही तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन ये राज ऐसा है जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया। ऐसी ही एक अनसुलझी और रहस्यमयी जगह है जो विज्ञान के समझ से भी परे है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रेवल दी वर्ल्ड। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दें। दोस्तों अलास्का की खाड़ी में दुनिया के दो सबसे बड़े महासागर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आपस में मिलते हैं। ये दोनों मिलते जरूर हैं पर इन दोनों के पानी में अंतर साफ नजर आता है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों बड़े महासागरों का पानी आपस में कभी नहीं मिलता। सन 2010 में केंट स्मिथ नामक एक फोटोग्राफर ने अलास्का की खाड़ी की एक तस्वीर ली थी जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल जो पानी ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला होता है, परंतु समुन्द्र के पानी का रंग गहरा नीला होता है। पर यह बात थोड़ी अजीब है कि आखिर पानी आपस में क्यों नहीं मिलते। ग्लेशियर के पिघलने से बनने वाले सागर का पानी मीठा होता है, वही समुद्र का पानी खारा होता है। इन दोनों महासागरों के पानी पर खोज की गई जिससे पता चला कि हरे और मीठे पानी की लवणता घनत्व और तापमान में अंतर है। अलग अलग घनत्व के पानी का मिल जाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि इन दोनों बड़े महासागरों का पानी आपस में कभी नहीं मिलता। जहां ये दोनों बड़े महासागर आपस में मिलते हैं वहां काफी मात्रा में झाग बन जाते हैं। इसके अनुसार अलग अलग पानी के घनत्व पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी का रंग भी अलग अलग दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि जब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आपस में मिलते हैं तो उनका पानी अलग अलग रंग का दिखाई देता है। इस वैज्ञानिक कारण के अलावा कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार भी मानते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।